Assalamualaikum guys, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने कैंपर को यहाँ से पार्किंग इसकी जो स्टोरेज है वहाँ से निकाल रहे हैं और कुछ इस्तेमाल में ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग विंटर था, बहुत लंबा विंटर होता है शिकागो का, जिसमें बहुत फ्रीजिंग वेदर होता है, बर्फ़ें पड़ती हैं, इसलिए उसमें तो कैंपिंग नहीं हो सकती। तो फिर हम लोग यहाँ पर जो इसकी स्टोरेज है वहाँ पर इसको ला के पार्क कर देते हैं, क्योंकि घर के बाहर तो पार्क नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर अच्छा मौसम आ गया है और अच्छा मौसम भी, ये देखें कि मैंने हुडी पहनी हुई है, इसको बस यहाँ पे अच्छा मौसम कहते हैं। यहाँ पे सर्दी आने से पहले और टेम्परेचर माइनस में जाने से पहले और बर्फ़ में पड़ने से पहले हमने कुछ स्पेशल केमिकल डाल के इसकी जो अंदर की प्लम्बिंग और सब कुछ है उसको सेव करना पड़ता है, ताकि उसमें आइस ना जम जाए, उसमें बर्फ़ ना जम जाए इतना ठंडे वेदर में। तो पूरे विंटर के लिए एक दफ़ा वो करना होता है बर्फ़ें पड़ने से पहले, स्नो पड़ने से पहले, और फिर उसके बाद अगले 4-5-6 महीने जब तक ठंडा वेदर होता है, जब तक के टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नहीं चला जाता, सेफ़ रहता है ये। तो अब आज हम लोग इसको पूरे इतने लंबे विंटर के बाद निकाल रहे हैं और अब देख आपको दिखाती हूँ कि आज हम इसको क्या करते हैं दोबारा रनिंग में लाने के लिए, क्योंकि हमारा इरादा है कि अगले कुछ महीनों में जब तक यहाँ पे बेहतर वेदर है हम इसको कैंपिंग के लिए आसपास की स्टेट्स में और इधर उधर घूमने जाएंगे तो इसको लेके जाएंगे। सो आज हम इसको उसके लिए रेडी कर रहे हैं। तो चलें आपको अपने साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि आज हम इसके लिए क्या स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोरेज वाली जगह है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या पानी का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने नियर बाय एक कैंपिंग प्लेस है वहाँ पे आज रात की और एक्चुअली 2 रातों की बुकिंग करवाई है। वहाँ पे इसको लेके जाएंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी इसमें सब कुछ हुक करेंगे। इसको कैसे दोबारा रनिंग में लेके आते हैं हम इतने लंबे विंटर के बाद, ये मैं आपको आज दिखाती हूँ। लेट्स गो। तो जनाब, गाड़ी के बैकअप कैमरे में देखते हुए इस वक्त मैं गाड़ी रिवर्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत ही एक राइट स्पॉट पे पीछे ले जाके पार्क करना होता है, वरना तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ करते हुए हम लोग एक दूसरे को आवाज़ें देते हुए पहले करते थे, बट अब थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है इसलिए पहली ही दफ़ा में सही जगह पे रिवर्स करके पार्क कर देते हैं हम। हो गया, इसको चलाने से पहले मैं एक आखिरी जायजा ले रही हूँ कि सब कुछ सही से हमने हुक कर लिया है कि नहीं। ये देखें इसके कनेक्शन, यहाँ से ये दो चेन हैं, ये दोनों तरफ लगती हैं। ये वाला जो होता है ये इसकी ब्रेक लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जो गाड़ी से पीछे इसको प्रोवाइड होगा, ताकि मैं ब्रेक जब लगाऊं तो उसके पीछे ब्रेक लाइट्स इसके पीछे जो लगी हुई हैं वो ऑन हो जाएं। सब ठीक लग रहा है तो लेट्स गो नाउ। ये बैकअप कैमरा है, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगी, वो डैशबोर्ड बंद कर दूं तो ये मुझे बैक व्यू देगा। अभी इस वक्त ये ऑफ है, हाँ चलो मैं चलाती हूँ गाड़ी, फिर देखती हूँ सिग्नल आते हैं या नहीं। ये बैक मिरर में सब नज़र आ रहा है मुझे कि ये कैसे आ रहा है पीछे से। ये कैमरा नहीं चल रहा, लाइट ऑन करो, लाइट। ओ या, मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी फिर ये कैमरा चलता है, मैं भूल गई थी। हाँ देखिए, मैंने गाड़ी की लाइटें ऑन की हैं और अब ये कैमरा ऑन हो गया, अब ये मुझे पूरा पीछे का व्यू दे रहा है। चलें इसको हम यहाँ रखते हैं फिर बैकअप कैमरा। उस कैमरे में ये नजर आ रहा है, चलो आगे। और अब इस कैमरे में देखना है कि ये यहाँ पीछे लगे नहीं, नहीं नैरो हो गया, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ये बैकअप, ये भी एक कैमरा है और ये भी एक कैमरा है। बैग जिस साइड के ऊपर लेके जानी है ना, उस साइड पे ही स्टीयरिंग मोड़ोगी तो ऐसा ही होगा। चलो अब निकल आएगा। ओके, आगे वाली गाड़ी को आगे करो, बहुत टाइम जगह है, तुम आगे रहो। हाँ अब हो जाएगा,
एंड ये देखिए आराम से उस ऑरेंज डंडे से निकल आया। ये देखें यहाँ पे लोगों ने ये अपनी बोट्स और चीज़ें वगैरह पार्क की होती हैं, ये स्टोरेज है, और ये जो ऑरेंज वाले हैं ये स्टोरेज मतलब एक दुकान की तरह की, लोग एक्स्ट्रा सामान अपना यहाँ पे रखते हैं, ये वो है। और इसको चलाने के लिए ये दोनों के साइड मिरर्स पे नज़र रखनी पड़ती है, फिर ये दोनों बैकअप कैमरे हैं। और ये देखें और लोगों ने भी यहाँ पर अपना पार्क किया हुआ है, कुछ लोगों के घर के बाहर ज़्यादा पार्किंग नहीं होती तो उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की हुई हैं, या फिर वो कहीं दूर गए होंगे, आउट ऑफ सिटी गए होंगे तो इसलिए यहाँ पे पार्क कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे ही फालतू में कहीं गाड़ी पार्क हो तो टिकट मिल जाती है और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। ये देखें एक और हमारी तरह का कारवाल किसी ने यहाँ अपने स्टोरेज में पार्क किया हुआ है, ये बोट है और ये भी बोट है, आई थिंक ये बोट ही है, आई डोंट नो, मे बी स्टोरेज है। अच्छा, और ये भी स्टोरेज है, ऐसे ही डब्बा, ये बोट है। और इसका जो ये दरवाज़ा होता है, हाँ हाँ नहीं नज़र रखी हुई है मैंने, और यहाँ का स्पेशल कोड होता है वो आप अपने फ़ोन से जब डालते हैं तो फिर ये दरवाज़ा खुलता है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता, जिसको यहाँ का जिसके यहाँ पे एक्सेस होता है, जिसकी स्टोरेज होती है, सिर्फ वो ही आ सकता है अंदर। तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, कैमरे भी लगे होते हैं हर जगह पे। तो अब मुझे इस नैरो से गेट के अंदर मानवे से निकालना है और दोनों तरफ देखना है कि ये टच ना हो, ये देखें ये साइड मिरर से। अब हमें यहाँ से राइड करना है उस कैंप ग्राउंड में जाने को, अभी काफ़ी खुली रोड है, ये आराम से हो जाएगा। सो फार चलें जी, अब हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव पे ये जगह थी और इधर हम कैंप ग्राउंड में पहुँचे हैं और यहाँ मुझे अभी चेक इन करना है इनसे बात करके। अभी हम लोग यहाँ पे आए और ये स्पॉट हमें अच्छी लगी और यहाँ पे हम लोग रिवर्स करके इसको सही से पार्क कर रहे हैं। करो प्लग इन कर दो, गाड़ी बंद है ना तो बस सही है, कर दो इसको, अभी हम प्लग इन कर रहे हैं क्योंकि इससे अंदर इसके इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और थोड़ी आज सर्दी है तो हमें फायर प्लेस अंदर चलाना पड़ेगी, हीटर वगैरह, तो उससे इससे इलेक्ट्रिक हीटर इसका चलेगा अंदर, टीवी वगैरह चलेगा। ओके, अब पानी का देखो, वो पहले देखो। ये इसके पीछे बैठने की जगह है, बेंच वेंच, और ये फायर पिट है, यहाँ पे यू नो रात को लकड़ियाँ आग लगा के बैठ सकते हैं सर्दियों के दिनों में, और बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ग्रिल भी हो सकती है, ये देखें। और ये दूसरे लोग हैं यहाँ पे, और कैसे लोगों ने यहाँ पे अपनी चेयर सेट की हुई हैं, और काफ़ी पुरसकून जगह है ये। I know it is cold. Baba, put your bag in a pants. Just turn on the light to see if it's coming. Okay. And if the AC is or heat is turning on, heat will turn on. Okay. ये चीजें क्यों ज़मीन पे गिरी हुई हैं? अंदर गंद क्यों पड़ा हुआ है इसमें है? इतने महीनों के बाद खोला ये अंदर, ये पत्ते कहाँ से आए होंगे यहाँ पे, ये सूखे। अब हम लोग ने वो जो पहले वाली पार्किंग स्पॉट थी वो छोड़ दी, क्योंकि उसमें जो पानी का पाइप था और पानी का कनेक्शन था वो
पानी का कनेक्शन जो है वो थोड़ा दूर था और हमारी पाइप इतनी लंबी नहीं थी पानी की कि वो वहाँ तक रीच करती, इसलिए अब हमने ये वाला स्पॉट देखी है और यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी बिल्कुल पास है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास है, तो आई थिंक कि ये अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई एंड सी। पहले इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा दूर लग रहा है मुझे यहाँ से, ये हो जाएगा फिर भी देखो इलेक्ट्रिसिटी लंबी है। ओके ये यहाँ पे हम प्लग करेंगे। चलें जी, हमारी बिजली तो कनेक्ट हो गई है। उपसी, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, पानी नहीं वो तो होगी, बट कोई बात नहीं, पानी का पाइप दूसरी तरफ से निकाल के वो लगाना है। देख रहे हैं यहाँ पे और लोग भी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। और जनाब ये वाला जो है ये इस साइड का फायर पिट है और ग्रिल है और ये बेंच है। वैसे तो इसके अंदर भी बाथरूम है, लेकिन अगर दूसरे में जाना हो तो वो सामने जो है ये भी बाथरूम है। कैंपिंग को हम ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं और ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर लगता है कि किसी ऐसी जगह पे आके नाइट स्पेंड करना और फिर इसको हुक अप करना और यू नो ये सब कुछ बहुत बड़ा एडवेंचर लगता है। कितना पिंक सारा अंदर से आया, ये पिंक वाला सारा जो केमिकल है ना ये निकालना। तो जनाब काफ़ी देर हमने कैंपर के ये नलके खुले रखे ताकि ये जो सारा अंदर जो डिफरेंट तरह का केमिकल था जो अब पिंक कलर का होके इतने महीनों के बाद बाहर आ रहा है ये सही से ड्रेन हो जाए और फिर साफ पानी ड्रेन हो जाए, फिर हमारा कैंपर रेडी है कैंपिंग के लिए है। आई होप कि आपने आज की वीडियो इंजॉय की होगी। ये जो हमें थोड़ी बहुत इसके साथ यू नो चैलेंजेस आते हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।